हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपने फेस पे ये फेस पैक लगाने, जो कि मैंने घर में ही बनाया है। ये मैंने बेसन लिया है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और हल्दी के बाद ना वैसे कर्ड यूज करते हैं, लेकिन कर्ड से ना थोड़ा सा मैं सही नहीं लगता मेरी स्किन पर, तो मैंने इसमें रोज वाटर मिला लिया, सिंपल पानी मिला लिया है और ये लगा लिया, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना हल्के हल्के से पिंपल निकलने लगते हैं, तो मैंने अपने ये फेस पर लगाया है। और फेस वॉश वगैरह मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो यही 2-3 दिन में सिंपल लगा लेती हूँ, उससे क्या बस नहाने के बाद आई हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने भोलेनाथ जी को चढ़ाए हैं फूल। बाकी पूजा तो सब लोग कर चुके हैं सुबह, इसलिए मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, बस फूल चढ़ा दी है, पैर छू लिए हैं, यही मेरी पूजा होती है डेली की। बंद है वो, नहीं चल रहा है। और यहाँ पर शिवांशी देखो अपनी मम्मी को घसीट के लेके आई है, बोल रही थी कि इस फ्लावर के अंदर बैठो, और ब्लॉग शूट कर रही है अपने टूटे वाले फ़ोन से। यू वो मुझे देख लिया ना कि मैं हाय हेलो कर रही थी, तो खुद भी कर रही है और इतना बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिखाया हो, लेकिन कोई सिखाता नहीं है, खुद बोलती रहती है पूरा दिन। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर करा रही हूँ नानी से हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल मुझे करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश करने से पहले ना मैं अपने बालों में एक दिन पहले अच्छे से ऑयल लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे बालों में हल्का रहता है, एकदम सूखे बाल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे धुलना होता है उस दिन मैं अच्छे से डाल लेती हूँ। शिवांशी ने ना आगे आगे करके मेरे बाल इतने उलझा दिए हैं, साथ में दादी तेल लगा रही हैं, हम भी लगाएंगे, दादी तेल लगा रही, हम भी दीदी की चोटी बनाएंगे, उसके चक्कर में पूरा लड्डू बना दिया बालों का, एक तो वैसे भी खींचने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा फंसा दिए। और यहाँ पर अभी मैंने डाला है पेड़ों में पानी, और अभी शाम नहीं हुई है, 5 बज रहा है, लेकिन बादल ऐसे घने घने से हो गए हैं, तो बादल की वजह से ऐसा लग रहा है कैमरे में ऐसा आया कि जैसे रात हो रही हो, लेकिन वो रात नहीं हुई, बादल ऐसे हो रहे थे लाल लाल, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। और यहाँ पर मामी बना रही हैं खाना, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ शाम का खाना जल्दी बन जाता है, वो भी नाना जी की वजह से, क्योंकि नाना खाना आना खा के मंदिर अंदर निकलते हैं ना, तो फिर सबका ही साथ में बन जाता है, क्या बार बार करना। एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, उसके बाद 2-3 दिन धूप निकली, तो इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई आज ना, इतनी ज़्यादा गर्मी कि पूरा दिन गर्मी पसीना से बेहाल रहा है, लेकिन अब रात में फिर से बादल हो रहे हैं बारिश के लिए, अब फिर बारिश होगी, कहाँ से कार्टून लगाओ इसका पूरा दिन कार्टून। चल बोली
खाते खाती है। हाँ। बुआ तुमको बोलती है चुलबुली हम नहीं वो रमा बुआ रमा बुआ से खाती है चुलबुली चुलबुली अच्छा। रमा बुआ तो रमा बुआ आपका नाम बताती है चुलबुली हमारा नाम नहीं बताती है। मेरा नाम कृष्णा है। तुम ना अपना नाम ही ना बताओ। बंसी नीचे कर रही थी अपनी ड्राइंग बुक में कलर, तो बहुत देर करती रही क्योंकि उनका वो फेवरेट सब्जेक्ट है और उसके अलावा कोई पसंद नहीं आते हैं। लिखने के लिए कह दो तो जाने क्या हो जाता है। तो बस शिवानसी को देख के मेरा भी मन कर गया कि मैं आज ड्राइंग करूं। तो मेरे पास ड्राइंग की बुक ना थी, पता नहीं कहाँ है। ये तुम्हारा पेपर नहीं है, मेरा पेपर है। आ गई हूँ, आ गई देखते हुए। तो मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा, मैं भी जा रही हूँ इसमें शिवानसी के तरीके कुछ बनाने। देखो कैसे बनता है शिवानसी, गुस्सा नहीं हो। देखो इसमें ना दीदी कलर से कुछ बनाएगी, ठीक है? अच्छा लगे तो फिर तुम्हारे टीचर को दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ तो बनाने दो, चलो मैं भी चलूंगी। हाँ बना के ट्राई करती हूँ। ये मेरा ना प्रैक्टिकल फाइल का पेज है, इस साइड से ऐसा, इस साइड से ऐसा। और मैं शिवानसी को बोल रही थी कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग है, लेकिन मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ड्राइंग। और ड्राइंग काफ़ी अच्छी रही है मेरी। मेरे ना हाई स्कूल में ड्राइंग में आपको पता है 99% मार्क्स आए थे और काफ़ी अच्छी रही है मेरी ड्राइंग, लेकिन अब बीच बीच में छोड़ दी है ना, काफ़ी दिन से बनाई नहीं है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बस मेरा मन कर गया, कलर अलर कुछ थे नहीं, बस ये इसके मोम वाले कलर रखे थे, मैंने इसी से बना के ट्राई की। वैसे ना मैं मोम वाले कलर से भी बहुत अच्छी बना लेती थी, लेकिन आज ना मैं बस ऐसे ही बैठ गई, कुछ भी सोचा नहीं था, अंदाजे से बनाने लगी, इस वजह से वो सही नहीं आ पाया। एक तो कार्ड वो नहीं था, पेपर नहीं था सही, ये वाला पेपर लिया है ना, तो हर पेपर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस तरह से कुछ बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले हमारी शिवानसी कूद पड़ी आगे, देखिएगा। रुको हम आ रहे हैं, इसको छूना नहीं सिवान से, हम आ रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं, ठीक है? मैं सब कलर करती। और मुझे मामी बुला रही थी तो मैं चली गई नीचे, उन्हें कुछ चेंज से कुछ डिब्बे उतार के देने थे, तो मैं नीचे चली गई। जब तक सिवान से ने देखो ये क्या किया, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है ये देखो। ए! मेरी गलती है, मैंने पेपर यहाँ पर छोड़ के गई थी। नहीं मना किया था ना, नहीं ये क्या कर दिया, क्या बना दिया बताओ, बिगाड़ दी पूरी। मना करके गए थे कि हमारी है तो मत करना, खराब कर दिया पूरा पेपर। मिटाना पड़ेगा। किसने बोला था बनाने के लिए, क्यों बनाया बताओ? मैं तो सब खुद मना रही थी, किसी ने बनाने। तुमने खराब कर दी दीदी, इसमें कुछ बनाने जा रही थी उल्टा सीधा, तुमने खराब कर दिया बताओ। अपनी बुक में नहीं करके थकती हो क्या? देखो जी मना क्या है, क्या बना दिया ये? क्यों बनाया, अपनी बुक में बनाना चाहिए मेरी। तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा। मेरी बुक में क्यों बनाया, अपनी बुक में बनाती ना। अरे ताकि तुम्हें अच्छा नहीं अच्छा लगेगा, अच्छे के चक्कर में तुमने खराब कर दिया जी, कहा कर दिया। और आज ना मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, मैंने ना उनसे बात भी कर ली थी, अपना अपॉइंटमेंट भी करवा दिया था। वो बोल रहे थे कि 4 बजे से और शाम के 7 बजे तक किसी भी टाइम आ जाना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इतनी भीड़ नहीं रहती है कि तो मैं नंबर अलग से लगाना पड़े, तो आ जाना हम इजीली देख लेंगे। ये मुझे ना अपना ये वाला दांत निकलवाना है, ये मेरा दांत ना डबल है, देखो इसके नीचे से भी दांत है ऊपर से भी दांत है, ये ना मेरा दूध वाला दांत है जो कि अभी तक टूटा नहीं है। आज तो लेट हो गई, कल देखूँगी। तो बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें डेली डेली। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलूँगी अपने एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और गर्मी बहुत हो रही है देखो।